ओके सी द क्वेश्चन लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो एक्स ई टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. हम इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारा आई है. आई इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो एक्स ई टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा. चलिए अभी हम लोग लिमिट चेक करते हैं. जीरो 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 सभी जगह जीरो डालेंगे तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर जीरो वन होता है तो ये वन जीरो ही हो जाएगा बेटा. ये वन प्लस जीरो ठीक है. ये लॉग वन होता है तो लॉग वन भी जीरो मतलब न्यूमरेटर हमारा पूरा जीरो है. डिनोमिनेटर में तो जीरो डालेंगे तो जीरो ही मिलेगा. अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं ठीक है. तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का. न्यूमरेटर में यहाँ डिफ्रेंसिएशन लेने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ठीक है. तो ये एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स होता है. फिर प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो एज इट इज लिखेंगे. माइनस लॉग का डिफ्रेंसिएशन सभी को पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स होता है तो लॉग का डिफ्रेंसिएशन हमने लिख लिए वन अपॉन वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया टू एक्स. फिर से हम लिमिट पुट करके देखेंगे क्या आंसर आता है. जीरो 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 सब जगह डालिए. ई टू द पावर जीरो वन होता है बेटा और यहाँ पे भी ई टू द पावर जीरो वन होगा लेकिन जीरो इंटू वन ये जीरो ये टर्म हमारी जीरो हो गई है. ये हमारी वन आ रही है बेटा. जीरो प्लस वन इट इज वन. यहाँ पे वन आ गया यहाँ जीरो डालने से ये बनेगा वन अपॉन वन दैट इज वन. तो ये वन माइनस वन हमारा जीरो. न्यूमरेटर हमारा जीरो आ गया है. यहाँ पे जीरो डालने से ये भी जीरो होता है तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है. फिर से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे ठीक है. तो ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो. अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस सेकेंड ई टू द पावर एक्स एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन. तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल. आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए. ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये प्रोडक्ट रूल ये दो टर्म है और ये ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स हो गया. अब आती है बारी माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की ठीक है. अब देखिए बेटा जिस किसी को भी नहीं आता होगा वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. हमारे सीन में है वन अपॉन वन प्लस एक्स तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बेटा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स. अब देखिए ये डिफ्रेंसिएशन जैसे ही वैसे ही ये मिलेंगे. डिस्टर्बिंग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वन प्लस एक्स इज डिस्टर्बिंग फंक्शन वन का डेरिवेटिव जीरो एक्स का डेरिवेटिव वन तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन. तो आपको ये ध्यान में रखना है. अगर से नहीं ध्यान में रख सकते हैं तो इसको आप कॉपी करके रख लीजिए प्लीज. ये इसको कॉपी कर लीजिए ठीक है. और अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने माइनस को कॉपी करना है पहले. ये माइनस सपोज के यहाँ पे कॉपी हो गया है वन अपॉन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है तो ये बन जाएगा प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ठीक है. और टू एक्स का डेरिवेटिव टू हो गया. चलिए अभी लिमिट पुट करके देखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर क्लियर है मतलब अब हमारा आंसर आ जाएगा जीरो 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 ठीक है. सब जगह डालेंगे तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. ई टू द पावर जीरो वन होगा. ये देखो ये जीरो लिखे है ई टू द पावर जीरो वन लिखे है ई टू द पावर जीरो वन लिखे है और इसको भी वन लिखे और अपॉन टू दैट इज थ्री बाय टू. सो ये है हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन ठीक है. चलिए अभी हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है. चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हम लिख के आपको एक्सप्लेन करके देते हैं बेटा. देखिए ये है हमारा क्वेश्चन I इज इक्वल टू करके ठीक है. अब देखिए डिनोमिनेटर में पहला क्वेश्चन है जैसे ऐसा यहाँ पे ऐसा सीन बन रहा है. डिनोमिनेटर में अभी तक के जो क्वेश्चन में आ रहा था कोई तो भी अलजेब्रिक फैक्टर आ रहा था एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू फोर. यहाँ पे अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टेन आया है. अगर से ये साइन या टेन आता है और एक्स लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो हम यहाँ पे 10 को लिमिट दे देंगे क्योंकि एक ही फैक्टर है. न्यूमरेटर में हम 10 को लिमिट नहीं देंगे बेटा ठीक है. यहाँ पे 10 को लिमिट कैसे देंगे अब वो देखिए आप लोग. ये हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये भी कॉपी पेस्ट और ये भी कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक है. सभी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो गई बेटा ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आप ये है 10x ठीक है. आप सभी को पता है 10x अपॉन x की वैल्यू होती है 1
ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स, आई हैव टोल्ड यू इट इज वन. तो अब हमने x से डिवाइड करे है, तो अब लोग हम लोग x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे. ठीक है, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ से लिमिट देके इसको यहाँ पे हटा देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम आसान बनेगा. अभी आप देखिए, अगर आप इसको एज इट इज रखते हैं कि लिमिट 0/0 आ रही है, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जाएंगे और वो कॉम्प्लिकेशन हैंडल भी होते हैं. लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि टेन या साइन आए तो उसको उसकी लिमिट दे के हम लोग वहाँ पे हमारे प्रॉब्लम को सिंपल कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. आप इसके पहले के देख लीजिए कि डिनोमिनेटर में ऐसा कोई सीन बना नहीं है. ठीक है, तो ये इसको हम लिमिट देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टेन एक्स अपॉन एक्स चाहिए, इसलिए हमने एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करे. नाउ व्हाट वी विल डू, अभी हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा का कैलकुलेशन चल रहा है, ये सभी चीजें हमारी कॉपी पेस्ट होंगी और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अब हम इसको लिमिट दे रहे हैं, लिमिट क्या देंगे, एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स. नाउ वी ऑल नो दैट टेन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन होता है. तो अब हम इसको अगली स्टेप में लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि ये वन हो गया. आप चाहे तो यहाँ पे रीजन लिख दो कि सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है. यू कैन गिव द रीजन लाइक दिस. आफ्टर दैट जैसा हमारा चल रहा था वैसे ही करेंगे, हम लोग लिमिट पुट करेंगे टेन जीरो जीरो जीरो. ठीक है, अब हमारा हमारा एक्चुअल हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम अगर से वही चीज़ स्टार्ट करते तो प्रोडक्ट रूल, अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आसान है, थ्री एक्स क्यूब लेना पड़ेगा, आसान है. ठीक है, तो चलिए जीरो 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 सब जगह डालिए, तो ये टेन जीरो भी जीरो होता है, सभी पूरा कैलकुलेशन हमारा जीरो हो रहा है, सो इट इज़ जीरो बाय जीरो. तो अभी हम लिखेंगे अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल वी गेट, ऐसा करके लिखेंगे. तो चलिए देखते हैं क्या होगा. एल एक्स स्टैंडिंग टू जीरो, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, चलिए फिर से अभी हम लोग चेक करते, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जीरो और जीरो डालिए, सेक जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन इज जीरो, यहाँ जीरो डालने से जीरो. अगेन वी हैव टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. चलिए देखते हैं क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल से. जब तक कि हमारा पर्टिकुलर आंसर नहीं आता, वी कैन अप्लाई द ऑल हॉस्पिटल रूल. सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन टू सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स. आप चाहे तो यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, दैट इज सिक्स एक्स. ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं और ये एक्स इसको दे देते हैं. देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या सेटिंग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और टेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, टेन एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं. मतलब ये एक्स को लिमिट दे देते हैं और इसको अलग कर देते हैं. अगर से नहीं देंगे ऐसा, तो हम लोग दूसरा वे ये कर सकते हैं कि वी कैन पुट द लिमिट, जीरो बाय जीरो आएगा, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो. लेकिन ज्यादा आसान वे ये है कि टेन एक्स अपॉन एक्स को, ये एक्स है सॉरी, ये एक्स है, तो टेन एक्स अपॉन एक्स को लिमिट दे दिया जाए, ये वन होता है, और इसको भी लिमिट हम अलग से देंगे, तो ये होगा सेक जीरो इज वन, ये भी वन, ये भी वन, सो आंसर इज वन. ठीक है, ओके, चलिए अभी आप लिखना है, आपको लिखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर पहले थ्री कॉपी करेंगे आप, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर का इतना कॉपी करेंगे, फिर आगे का हम बताते हैं. ठीक है, चलिए होप सो कि आपका यहाँ तक कॉपी हो गया है. चलिए अब आगे का बताते हैं हम आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर का इतना है, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इतना कॉपी करिए, सिर्फ यहाँ तक कॉपी करेंगे, वन बाय थ्री तक, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सॉरी एक्सप्लेनेशन में एक गड़बड़ हो गई थी, ये टू अपॉन सिक्स है, तो ये टू और सिक्स कैंसिल होगा, तो थ्री बचेगा. हमने वन कहा था, ये एक मिस्टेक थी, उसको आप करेक्ट कर लीजिए. इस जस्ट कैलकुलेशन पार्ट, यू कैन डू दिस. चलिए ओके, अब ये फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल है, इसको इन शॉर्ट हम एक्सप्लेन करेंगे. एक क्वेश्चन है, इसमें इस एक्सप्रेशन को हमने आई अज्यूम कर लिए है. अब लिमिट पुट करिए, जीरो 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 जीरो, तो ये जीरो ही होगा, ये जीरो होगा, ये वन, वन इंटू जीरो जीरो, लॉग वन जीरो होता है, ये जीरो. शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे बेटा, तो ये जीरो बाय जीरो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो चलिए यहाँ पे हमको इसके डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये है माइनस और ये है साइन प्लस. सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इज एक्स, कॉस एक्स एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है.
ठीक है। तो ये होगा इसके प्रोडक्ट रूल, ये माइनस करें, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 + x होता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। फिर से हम लोग लिमिट पुट करेंगे 0, 0, 0, 0 सब जगह, तो आपका 0 आएगा। आप खुद कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो अगेन हियर वी आर टू अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये माइनस साइन का मैंने बाहर करी हूँ और x इंटू साइन में प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव इसके पहले भी बताए थे कि माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर होता है, तो ये माइनस प्लस बन गया और 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, उसके बाद हमको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करने के लिए ऐसा है, ये है 0, ये है 0, ये 0, ये 0, 0 सब जगह 0 डाले, तो ये तो 0 रहने से ये 0, ये साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, और यहाँ पे 1/1 + 0 डेट इज 1 होता है, तो आंसर इज 1/2। सो वी हैव दिस, तो यू कैन कॉपी दिस ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉपी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, होप्सो कि आपने कॉपी कर लिए है पूरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x है, माइनस e टू द पावर माइनस x है, माइनस 2x है अपॉन x स्क्वायर है। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी देखिए बेटा। हाँ, पहले तो ये है कि सॉल्यूशन जब हम लोग लिखते हैं तो इसको i अज्यूम कर लेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इसको हमने i अज्यूम कर लिए है। ठीक है, अब इसके बारे में इधर थोड़ा सा साइड में एक्सप्लेन कर देते हैं। लिमिट है हमारी x इज टेंडिंग टू 0 और ये है इस तरीके से, जो मेन पार्ट है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन x, हमने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में देखा था टैन x था, तो हमने कहा था लिमिट अगर से x इज टेंडिंग टू 0 है और साइन या टैन है तो हम उसको उसकी लिमिट देंगे, और लिमिट देने के लिए हमको x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगली स्टेप में x क्यूब बन जाएंगे और ये साइन x अपॉन x को हम लिमिट दे देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने वैसा ही किए है, हम लोग डायरेक्टली चाहे तो ये साइन x से जब x से डिवाइड करते तो इस x स्क्वायर को ही x क्यूब लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन हमने ऐसा किया है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन आता है तो आप देख रहे आगे जाके ये x क्यूब भी बनने वाला है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये, चलिए अभी आगे इसी में से ही हम आपको बताते हैं कि x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें और आगे जाके इसको इसकी लिमिट दे दिए तो सिर्फ x क्यूब बचाए, क्योंकि साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम एल हॉस्पिटल चेक करेंगे, ये 0, 0, 0, 0 सब जगह डालिए, e टू द पावर 0 1 होता है, ये भी e टू द पावर 0 ही रहेगा बेटा, e टू द पावर माइनस 0 0 ही होता है, तो 1 e टू द पावर 0 1 होता है, ये भी e टू द पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिकली 0, तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो अब हम अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, लिमिट को x टेंडिंग टू 0 को कॉपी करें है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। अब इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं e टू द पावर माइनस x की। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस x। आपको अगर से नहीं आता है तो ये डिफरेंशिएशन लिख के रखिए बेटा, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, चलिए अपने होप्स हो कि ये डिफरेंशिएशन लिख लिए है, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो ये देखिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो रहा है माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये हो गया माइनस एंड माइनस प्लस, x का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 कॉपी पेस्ट होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है। फिर से वही सेम कहानी, लिमिट पुट करेंगे 0 0 0 तो ये आ रहा है 1, e टू द पावर 0 1, ये e टू द पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 माइनस 2 इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो 0/0 फॉर्म आ गया है। नाउ विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लेट्स सी क्या होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, एंड 2 का डेरिवेटिव होता है 0, जो कि हमने नहीं लिखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो दिस विल बिकम 6x। ठीक है, 6x, तो लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर 0 0 0, तो ये सब 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 1 माइनस 1 इज 0, ये भी 0। नाउ वील अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इन शॉर्ट समझा रहे बेटा, आपको सब समझ में आ ही गया होगा। e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव, e टू द इसका डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस 6x का डेरिवेटिव 6। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर 0 0, तो ये होता है 1, ये भी होता है 1, तो इट इज 2 2/6, दैट इज 1/3। आप इसको अच्छे से रीड करिए, कुछ भी डाउट रहा यू कैन आस्क मी। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, आज का ये 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, विल स्टॉप नाउ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।